हेलो एवरीवान वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेज दिस इज़ प्रवीण हेयर हम लोग एच पी टेट टारगेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन सीरीज़ कर रहे हैं और हम इसमें अप्रॉक्सीमेट ट्वेंटी टू वीडियोज़ कर चुके हैं सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उसमें किए हैं प्लस एडिशनल क्वेश्चन हम उसमें करते हैं साथ में हमने बायो बूस्टर सीरीज़ की है जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही होते हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें इंक्लूडेड हैं चैप्टर नंबर सेवन क्लास प्लस वन की आज बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यहाँ से जो अर्थफम वाला पार्ट है ठीक है एक तो इसमें क्या चीज़ें हैं इसमें टिश्यू के बारे में है एनिमल टिश्यू के बारे में है तो एनिमल टिश्यू की एक वीडियो मैं सेपरेट बना चुकी हूँ वो आपको मिल जाएगी और वो मैंने लोअर क्लासेस का टॉपिक लिया है वही क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने वहाँ पे एचपी टेट के स्पेशली मैंशन करे हैं वो वीडियो जाके देख लें उसके बाद अर्थवम पे आपको अर्थवम पे जो है बायो बूस्टर सीरीज़ में सेपरेट वीडियो मिल जाएगी उसमें सारे नोट्स फॉर्म में मैंने हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में अपने सारे नोट्स वहाँ प्रोवाइड किए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर आपको मिलेगी अर्थवम वाला पोर्शन से भी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं चाहे वो नेफ्रीडिया को लेके हो उनके सेगमेंट को लेके हो वो क्वेश्चन सारे वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में आज हम जो है वो कॉकरोच टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हम अर्थवम और टिश्यू का जनरल इंट्रोडक्शन कर चुके हैं तो कॉकरोच से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चाहे वो आपके एडिशनल क्वेश्चन है मैं सारे डिस्कस करने वाली हूँ कहाँ गया है कॉकरोच भाई साहब दिस ओके okay. तो ये रहा कॉकरोच तो इसकी मॉर्फोलॉजी और अनॉटमी दोनों के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी सबसे पहले मैं साथ साथ में आपको एनसीईआरटी की वैल्यू का भी बताऊंगी कि देखो आप पैराग्राफ में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं वो भी आपको पर... यहाँ से इसलिए मैं एनसीईआरटी ये ले रही हूँ और साथ में आपको जो क्वेश्चन मैं मैंशन करूँगी स्पेशल वो आपको नोट कर लेना है ओके okay? क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट्स फॉर्म में ये वीडियो नहीं प्रिपेयर किया है राइट right? ओके okay, तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो फाइलम कौन से फाइलम से बिलोंग करता है तो अर्थ्रोपोडा से करता है अर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है जो कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है नोट कर लीजिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है तो वो मलस्का है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज मलस्का फाइलम आथ्रोपोडा से कॉकरोच बिलोंग करता है और क्लास इसकी कौन सी है कौन सी क्लास से तो ये इंसेक्टा क्लास से इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है राइट इंसेक्टा क्लास का मेन फीचर ये है कि ऐसे इंसेक्ट इसमें आते हैं जिनकी थ्री पेयर ऑफ लेग होते हैं राइट तो कॉकरोच के भी थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं अब इसमें से मॉर्फोलॉजी की जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे देख के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके रखा हुआ है कि ब्लैक ब्राउन कलर्ड एनिमल होता है ये और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि जो जनरली हम नहीं पढ़ते कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे आपको ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोच भी देखने को मिलेंगे कहा ट्रॉपिकल रीजन में यूजली कॉकरोच देश दुनिया हर जगह पे कोई भी चाहे देश है कोई भी जगह है वहाँ पे आपको कॉकरोच ज़रूर मिलेगा कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था वर्ल्ड वॉर टू हुआ था उसके बाद भी जो प्रजाति डोमिनेंट थी वो कॉकरोच की थी ठीक है अगर बॉडी की बात करें कितनी इसकी थ्री इंचज़ अबाउट जीरो पॉइंट सिक्स टू सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग इनकी बॉडी होती है इनकी बॉडी पे एंटीना लेग्स होते हैं इनके और एबडोमिन होता है हेड रीजन होता है ये सारी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे राइट इसके बाद यहाँ पे ये एक और ये क्या है निक्टोरियल ओमनीवोर्स हैं ऐसे एनिमल जो रात में इधर उधर भागना पसंद करते हो इसीलिए किचन में मैक्सिमम जो है वो कॉकरोच अप्रॉक्सीमेटली एक कॉमन सी चीज़ है कि किचन में हम कितनी ज़्यादा सफाई रख ले कॉकरोच भाई साहब को आना ही आना है क्योंकि उसको हमारी मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए रात को आता है और बचा जो खाना होता है उसको वो टेस्ट करके चला जाता है पूरी तरह से खाता भी नहीं और ये कैसे हमें एज अ ये वेक्टर एक्ट करता है बीमारियों को स्प्रेड करता है ओमनीवोर का मतलब है चाहे इस भाई साहब को वेजिटेरियन फूड दे दे चाहे नॉन वेजिटेरियन दोनों को खाना पसंद करता है इसीलिए जो एनिमल दोनों चीज़ें खाते हैं उनको ओमनीवोर्स हम बोलते हैं राइट इसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी बॉडी मॉर्फोलॉजी मैं यहीं से आपको समझा देती हूँ इसकी बॉडी ठीक है कि तीन मेन रीजन होते हैं इसके ठीक है हेड थॉरेसिक रीज़न होता है इसका और इसका जो एबडोमिन रीजन होता है तीन मेन रीज़न होते हैं विंग्स होते हैं इसकी बॉडी जो है वो हार्ड होती है काइटेनियस कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन कैसा होता है काइटेनियस लिख लो एक्सोस्केलेटन कार्टेनियस होता है और इसके पास देखो वन टू तो, थ्री थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं इसके पास एंटीने होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन एक्ट करते हैं मेल जो कॉकरोच होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है कंपेरिटिवली फीमेल कॉकरोच से ये सारी चीज़ें आप अपनी भाषा में सिंपल तरीके से नोट्स में जिस तरीके से आपको नोट्स बनाना पसंद है वैसे नोट करते रहिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें राइट इसके बाद यहाँ पे जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है ठीक है इसके एक्सोस्केलेटन अब वो बना किसी चीज़ से बना है ना ठीक है तो स्क्लेराइट्स होते हैं स्क्लेराइट्स होते हैं और टर्गाइट्स होते हैं डॉर्सल साइड पे टर्गाइट्स होते हैं और स्क्लेराइट्स जो है वो वेंट्रल साइड वेंट्रल साइड आपका होता है जो जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूँ तो जो आपका पेट वाला रीजन है सामने वाला रीजन है वो आपका वेंट्रल सर्फेस है पेट वाला रीजन आपका डॉर्सल है तो अब आप कॉकरोच को भी वैसे कंपेरिजन करके इसकी चीजें समझ सकते हैं ठीक है अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पैराग्राफ से देखो ये एन सी आर टी का ऐसे पैराग्राफ होता है अब ये पैराग्राफ पढ़ना कितना बोरिंग है लेकिन इस पैराग्राफ से सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी राइट क्योंकि आपको टाइम सेव करना है ठीक है इसलिए आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं हेड क्या है ट्राइंगर है लिखो हेड क्या है ट्रायंगुलर है और ये इसके छह सेगमेंट्स को फ्यूज करके बना होता है ठीक है कितने सेगमेंट होंगे हेड रीजन में सिक्स सेगमेंट होंगे इसकी आइज़ कैसी होंगी कंपाउंड आइज़ होंगी लिखो कंपाउंड आइज इसके पास होते हैं जो मैंने बता दिया कि एंटी ने मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस चीज़ों को तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ राइट इसके बाद मैं आपको यहाँ से स्ट्रक्चर से पहले यहाँ से जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ से मैं आपको ईजिली बता दूंगी ठीक है यहाँ पे देखो लेबियम लिखा है ये देखो लेबियम है और लेब्रम है ये दो जैसे लिप्स होते हैं ना अपर लिप और लोअर लिप जैसे हमारे में होते हैं वैसे इसके जो अपर लिप को हम लेब्रम बोलते हैं और लोअर लिप को लेबियम बोलते हैं क्लियर ये दो चीज़ें आपको याद रखना है और हाइपोफेरिंग्स इसका क्या है ये जिस तरीके से हमारी बॉडी में टंग होता है इसकी बॉडी में हाइपोफेरिंग्स होता है मतलब ये टंग की तरह फंक्शन करता है ठीक है ये चीज़ें आपने याद रखनी है इसकी कंपाउंड आई होती है और आई के बिल्कुल सामने जो है वो एंटीना प्रेजेंट होते हैं इसके राइट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से और यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे कि देखिए एट्थ और नाइन्थ जो इसके सेगमेंट्स होते हैं वहां पे क्या स्टर्ना प्रेजेंट होते हैं एट्थ एंड नाइन्थ पे और वो क्या फॉर्म करते हैं ब्रॉड जेनाइटल पाउच की फॉर्मेशन करते हैं फीमेल गोनोपोर की ठीक है क्या कंटेन देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बताती हूँ जो एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट है इसकी बॉडी का जो सेगमेंट है एट्थ और नाइन्थ वहां पे क्या होंगे स्टर्ना होंगे क्या होंगे स्टर्ना होंगे वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे जेनेटल पोर की ठीक है ब्रूड और जेनेटल पोर जिसको हम कह रहे हैं और इस पाउच के अंदर क्या होगा मान लो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर इस पाउच के अंदर क्या होगा गोनोपोर्स होंगे क्या होंगे गोनोपोर्स होंगे ओके इसके बाद गोनोपोर्स होते क्या है वही कि गोनोपोर्स आगे जाके क्या, क्या स्क्रीट करेंगे फिर आपके एग और एग से फिर आगे कॉकरोच की फॉर्मेशन होगी ठीक है इसके बाद मेल बॉडी में कहा गया इन मेल जेनाइटल पाउच जो होते हैं वो नाइन्थ एंड टेंथ ठीक है नाइन्थ और टेंथ जो सेगमेंट होता है टर्गा बोल रहे हैं इसको और नाइन्थ को स्टार नाम बोल रहे हैं ठीक है ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ अभी तक आपको बताए ये एच पी टैट के प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे गए हैं ठीक है, है? यहाँ से चलिए आगे चलते हैं एनाटॉमी की बात करते हैं तो अब यहाँ एनाटॉमी से हर एक चाहे वो इसका एक्सट्रीटिव सिस्टम है डाइजेस्टिव है चाहे वो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो हर एक

ईसो uh, के बाद कहाँ जाता है फूड चला जाता है कहाँ पे स्टमक में इस इसमें क्या होता है ईसो के बाद फूड कहाँ जाता है इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं क्रॉप क्या कहते हैं क्रॉप तो जो स्टमक की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है कॉकरोच में उसको क्रॉप कहते हैं इसके बाद जो है इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा देखो यहाँ पे इस क्रॉप के बाद इस छोटे से स्ट्रक्चर में चला जाएगा जिसको हम क्या हैं गिजाट बोल रहे हैं अब यहाँ पे जैसे स्टमक में क्या होता है फूड की मेस्टिकेशन होती है फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है वैसे यहाँ पे क्या होगा फूड जो है ग्राइंड होगा और यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल होता है आप एन सी में देके रखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गिजाड है इसका मेन फंक्शन क्या है ग्राइंडिंग ऑफ फूड ये लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट है राइट और अदर एग्ज़ाम में एच पी में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन मैंने अदर एग्जाम लाइक नीट वगैरह में ये क्वेश्चन देखा हुआ है ओके इसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन देखो ये वाली चीज़ आपने सुनी होगी मेल्फिगिन टिब्यूल्स सुना है ठीक है और मेल्फिगिन टिब्यूल का क्वेश्चन जो है वो बार बार एचपी एचपीटैट फेवरेट क्वेश्चन इसका रहता है कि किस में होते हैं कॉकरोच में इंसेक्ट्स में होते हैं कॉकरोच का मेंशन किया होता है वहां पे ऑप्शन में ठीक है तो इनका फंक्शन मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ इसके बाद देखो एट सिक्स टू एट ब्लाइंड टिब्यूल होते हैं हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिक्की उनको हम बोलते हैं देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर कुछ सेम सेम से दिखते हैं ठीक है लेकिन आप देखोगे कि ये थोड़े आपको थिन दिखाई दे रहे हैं और ये वाले थोड़े इसके कंपैरिजन में थिक हैं दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे दिखाई देते हैं तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है डिफरेंट दोनों का रोल है हिपैटिक सी और इनको हम जो है गैस्ट्रिक सी भी बोलते हैं ठीक है हिपैटिक सी और गैस्ट्रिक सी ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन होता है लिख लो इनका फंक्शन होता है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को स्क्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को कॉकरोच में कौन स्क्रीट करता है हिपैटिक सीके जिनको हम गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं और ये जो मेल्फिगिन टिब्यूल्स होते हैं ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं क्या करते हैं एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं मेल्फिगिन टिब्यूल्स का नंबर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीआरटी में देखे रखा है हंड्रेड टू वन रहता है और ये येलो कलर्ड होते हैं फिलामेंटस राइट फिलामेंटस थिन येलो कलर्ड होते हैं राइट इसके बाद इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वैसे ही कि इसके बाद जो है इलियम्स कोलोन और रेक्टम होता है ठीक है ये इसका गट रीजन है पूरा ओके okay, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जाता है कि सनॉटमी में एलिमेंट्री कनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या क्या मैंने आपको इम्पोर्टेंट बोला आपको क्रॉप याद रखना है गिजाड याद रखना है पेटिक सी के जो कि डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है और मेलफिगिन ट्यूबुल जो कि आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं और इसके तीन मेन जो है वो पार्ट हैं फोरगट मिड गट एंड हाइंड गट ओके इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो ये भी एचपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन रहता है थ्री फाउंड इन तो कॉकरोच में होता है यहां पे थ्री आ, थ्री सॉरी नहीं थर्टीन कहना था ओके बायेक थ्री हो गया सॉरी थर्टीन चैम्बर्ड हर्ट किस में होता है तो कॉकरोच में थर्टीन चैम्बर्ड हर्ट अब पता कैसे होता है वो देखो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसका भी रेड है डायग्राम का यहाँ पे देखो ये मैं थोड़ा लार्ज करती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको जैसे ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक हर्ट है ये दूसरा ये तीसरा इस तरीके से ठीक है आप काउंट करोगे इनका टोटल नंबर अगर यहाँ पे तो ये हो जाएंगे कितना थर्टीन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ये टोटल नंबर इनका थर्टीन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ठीक है थर्टीन नंबर इनका होता है और ये जो हार्ट है इनके साथ जो है एवरी मसल्स होती हैं इनका नंबर ट्वेल्व होता है नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन कि इन मसल्स का नंबर ट्वेल्व होता है लेकिन जो हर्ट है वो कितने चैम्बर्ड है थर्टीन चैम्बर्ड हर्ट होता है कॉकरोच में और ये जो मसल्स होते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ट्रायंगुलर हैं इस तरीके से लगी हुई है देखो इस तरीके से लेकिन है कैसी ट्रायंगुलर शेप्ड है और फैन शेप्ड इनको बोलते हैं फैन शेप्ड जो मसल्स हैं वो किस में मिलती हैं आपको कॉकरोच में मिलती है सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए ठीक है अब यहाँ पे होता क्या है देखो मैं डायग्राम से ही ये चीज़ आपको समझा दूंगी ये आपका क्या है स्ट्रक्चर है। अब यहां पे ब्लड की जो मूवमेंट होती है ठीक है मूवमेंट होती है जो बाहर वाला एरिया है यहाँ से ब्लड जो है एंटर करता है यहाँ पे पोर्स होते हैं यहाँ पे पोर्स होंगे यहाँ पे दोनों साइड क्या होंगे ओपनिंग होगी ओपनिंग को यहाँ हम क्या बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं और ऑस्टिया हमने और कहाँ पढ़ा है पॉरीफेरा की बॉडी जो पॉरीफेरियंस होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत सारे मान्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं और ऑस्टिया करेक्ट्रिस्टिक फीचर है आपका पॉरीफेरा फाइलम का वैसे ही यहाँ पे ऑस्टिया पोर होते हैं यहाँ से ब्लड जो है वो मूव करता है हर्ट के अंदर और हर्ट हर्ट से वो साइनसिस में जाता है और साइनस से ऑस्टिया मतलब इसका मैं फ्लो चार्ट बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो साइनस से कहाँ जाएगा ब्लड ऑस्टिया ऑस्टिया के थ्रू कहाँ चला जाएगा वो हार्ट में हार्ट में चला जाएगा ठीक है और हार्ट से वापस वो यहाँ साइंसेस में आ जाएगा ये इसका सर्कुलेशन रहता है और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है मतलब इस तरीके से इसका जो फ्लो है वो पूछा गया है इसलिए मैंने आपको ये भी डिस्कस कर लिया अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पैराग्राफ से बता दिए हैं येस एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो स्पेस होता है ब्लड वेसल्स का पोअरली डिवेलप्ड होता है ये चीज़ और उसको हम हीमोसेल बोलते हैं जो स्पेस उसके बाहर जो है प्रेजेंट होता है अब यहाँ पे कलरलेस प्लाज्मा इसका होता है ठीक है देखो हीमोलिम्फ इज दी इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स ठीक है जैसे लिम्फ होता है ना हमारी बॉडी में लिम्फ हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन में वैसे यहाँ पर हीमोलिम्फ बोलेंगे हम उसको ठीक है ओके okay. यहाँ से यही इम्पोर्टेंट था और जो शेप ऑफ चैम्बर्स है वो फनल शेप्ड होता है यहाँ पे देखे रखा है ये देखिए आप ओके okay. तो यहाँ से हार्ट वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि थर्टीन चैम्बर हार्ट कॉकरोच का कितने चैंबर हार्ट है थर्टी कौन सी मसल्स होती है एल मसल्स होती हैं एल मसल्स का नंबर कितना है ट्वेल्व है ये आपको ध्यान में रखना है और ऑस्ट्रिया जो पोर्स होते हैं वहाँ से जो है वो हार्ट में ब्लड जो है वो मूव करता यही है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एचपी टैट सिस्टम ऑफ कॉकरोच तो यहाँ से भी एचपी टैट का फेवरेट क्वेश्चन ये देखिए ये वाला वर्ड देखिए कितनी बार आपको ये एचपी टैट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा स्पाइरेिकल्स किसमें होते हैं तो ये होते हैं कॉकरोच में जो कि 10 पेयर्स देखो इसमें क्या होता है एक ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं होल्स होते हैं जिनका नंबर कितना होता है टेन पेयर्स मतलब टोटल कितने हैं ट्वेंटी स्पाइरिकल्स हैं जिनकी हेल्प से कॉकरोच रिस्पायर करता है राइट इसके बाद नेक्स्ट इसमें है आ, जो ओपनिंग है स्पाइकल्स की उसको कौन रेगुलेट करता है स्पिंटर्स मतलब छोटे छोटे वहां पे दरवाजे आप समझ लो छोटे छोटे ऐसे वाल्व्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे भी डिफ्यूजन के जैसे ह्यूमन बींग में एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके थ्रू होता है डिफ्यूजन वैसे यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही होगा हमारे में क्या होता है एलविलाइज होते हैं ठीक है यहाँ पे क्या है ट्रेक्यूल है और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट्स में जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं जो ट्रेक्यूल ट्यूब या ट्रेकिया वहाँ पे आता है तो कई बार कॉकरोच को लेके भी ये क्वेश्चन डाल देता है तो आपने ये वर्ड भी ध्यान में रखना है ट्रेक्यूल ट्यूब और ट्रेकिया ठीक है इसके बाद एक्सक्रीशन वाला पोर्शन तो मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि मिल्फिगिन टिब्यूल वाला क्वेश्चन कॉकरोच से ये इंसेक्ट से बहुत बार पूछा गया है और क्या आपको एडिशनल यहाँ पे याद रखना है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है कॉकरोच में वो क्या होता है अभी मैंने कल ही जो वीडियो डाली है उसमें भी मैंने बताया था कि इंसेक्ट्स में क्या होता है यूरिक एसिड बनता है इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ये यूरिक एसिड होता है और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेरटिव अगर हम दूसरा कंपेरिजन करें अमोनिया एंड जो आपका यूरिया है तो उसके कंपैरिजन में ये लीस्ट होता है लिस्ट टॉक्सिक होता है ओके यूरिक एसिड बनेगा और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है उसको हम यूरिको टैलिक बोलते हैं यूरिको टैलिक ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं एक और क्वेश्चन मैं ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ रिसेंट मैंने टैड में किसी में देखा है फैट बॉडीज ध्यान से समझना है इसको फैट बॉडी और नेफ्रोसाइट यूरोज ग्लैन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन देखो मेलफिगिन टिब्यूल तो हेल्प कर ही रहे हैं इसके साथ साथ ये चीज़ें भी जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करें तो आपने नोट कर लेना है कि कॉकरोच में ये सारी ग्लैंड है चाहे वो नेफ्रोसाइट है और ये जो आपकी फैट बॉडी है ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करिए तो इसको भी नोट कर लो क्योंकि लिखा गया है एन में इसके बाद इसका नर्वस सिस्टम है इसके पास प्रॉपर कोई ऐसे सोचने समझने के लिए स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन नहीं है तो इसमें क्या होता है मैं आपको ये डायग्राम से समझाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा डायग्राम यहाँ पे है नहीं मैं खुद फ्लो चार्ट बना के आपको समझाती हूँ देखिए ये हमारे पास प्लेंग पेज आ गया अब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं किसके कॉकरोच की तो इसके पास ब्रेन नहीं है स्पाइनल कॉर्ड नहीं है एज़ लाइक इन ह्यूमन बॉडी तो इसके पास क्या होता है इसके पास होते हैं गेंगलिया क्या होते हैं इसके पास गेंगलिया होते हैं ये गेंगलिया हैं क्या गेंगलिया होता है आपका कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स ठीक है नर्व सेल्स की क्या है कलेक्शन है इसके पास अब इसके पास नर्व सेल हैं तो वही क्या करेंगी फंक्शन जितने भी सोचने समझने वाली चीजें हैं वो यही परफॉर्म करेंगे तो गेंगलिया क्या होता है कलेक्शन ऑफ नर्व सेल होता है और इसके जो गेंगलिया होते हैं कॉकरोच की गेंगलिया ये इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी में देख रखा है तीन जो है प्रेजेंट होते हैं इन थॉरेक्स रीजन थॉरेक्स रीजन और सिक्स प्रेजेंट होते हैं इन दिन ठीक है कितनी गेंगलिया तीन होते हैं आपके थॉर रीजन में और एबिन में प्रेजेंट होते हैं ये नोट कर लीजिए इम्पॉर्टेंट है राइट right? इसके बाद इसमें ब्रेन तो होता नहीं तो दिया गया है एनसीईआरटी में कि जो ब्रेन है ब्रेन ऑफ कॉकरोच इज रिप्रेजेंटेड बाय मैं कह रही हूँ ब्रेन नहीं है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है मतलब ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है तो लिख लीजिए एनसीईआरटी में गिवन है सुपरा ईसोफेजियल ईसोफेजियल गैंगलियन गैंगलियॉन ये वर्ड नोट कर लीजिए एनसीईआरटी में गिवन है ठीक है और ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गेंग्लियन होता है ये सप्लाई करता है नर्व टू तो दी एंटीने एंड कंपाउंड आई मैं फिर दोहराती हूँ कि ये सुपरा ईसोफेजियल गेंग्लियन जो है वो नर्व सेल को सप्लाई करता है कहाँ एक तो उसके एंटीने को और कंपाउंड आई को और आई को जो कि इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं ओके ऐसे भी दे सकता है कि जो सुपरा ईसोफेजियल गेंगलियन सप्लाई नर्व्स टू दी ऑप्शन में आई ना हो अगर ये एंटीना भी ना और दे दिया गया हो सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए ओके okay. अच्छा अब देखो आई की बात करूंगी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना आई इसकी क्या है कंपाउंड आई होती है कैसी होती है कंपाउंड आई होती है और इसकी आई में पता है टू थाउजेंड टू थाउजेंड क्या होते हैंक्सागोनल ओमेटीडिया ओमे डबल एम टी आई डी एमेटीडिया होते हैं क्या होते हैं ओमेटीडिया अभी ओमेटीडिया क्या है मान लो आई की ये यूनिट है ये क्या है यूनिट ऑफ आई है जो विजन में हेल्प करेगी यूनिट ऑफ क्या है आई है जो कि विजन में हेल्प करेगी किस में हेल्प करेगी हेल्प इन विजन देखने में मदद करेगी इतनी चीज़ आपको समझ आ गई कि ओमेटीडिया क्या है कंपाउंड आई में इनका नंबर टू थाउजेंड है और ये यूनिट ऑफ आई है किसकी आई कॉकरोच की और ये हेल्प करती है विजन में इतनी चीज़ पता लगी अब देखो ये जो ओमेटीडिया की मैंने बात की इनका एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ जो कि एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा ओमेटीडिया जो है वो रिसीव करते हैं हाईली सेंसिटिव लाइट को क्या करते हैं जो हाईली सेंसिटिव लाइट होती है उसको रिसीव करती है और उसकी इमेज बना देती है कॉकरोच की आई में ठीक है अब ये जो कॉकरोच की आई होती है ऐसा नहीं है कि मान लो एक कोई इमेज है मान लो कोई ऐसी इमेज है ये कॉकरोच की क्या है आई है ठीक है अब कॉकरोच को ये इमेज ऐसी नहीं दिखाई देगी ये इमेज ऐसी नहीं दिखाई देगी तो कैसी दिखाई देगी ये इसके बजाय इसको ये टुकड़ों में दिखेगी पार्ट्स में दिखेगी ठीक है पार्ट्स में दिखती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओके इसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ठीक है ये देखिए यहाँ तक हमने सारी ये चीजें बात कर ली है सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इसके बाद देखो कॉकरोच जो है अब यहाँ से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शुरू होता है ठीक है यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको अलग से हेडिंग नहीं मिलेगी हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका शुरू होता है ये क्या है कॉकरोच डाइशियस है मतलब कि जैसे फीमेल बॉडी है और मेल बॉडी है दोनों अलग अलग होती है पहले इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो अगर मैं आपको इसका डायग्राम से बताऊं तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे ये देखिए ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच की बॉडी में ठीक है थोड़ा बहुत जो है ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है वो मिलता है जुलता है टेस्टिस पेयर होता है मतलब दो नंबर होगा एक ये है एक है एक पेयर ऑफ टेस्टिस इसमें होता है वैसे यहाँ पे वास डिफरेंस होती है जैसे कि ह्यूमंस में होती है वैसे यहाँ पे भी वास डिफरेंस होती है जैकुलेटरी डक्ट अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है मैं क्लास प्लस टू प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी उसकी वीडियोज़ तो वहाँ पर भी जैकुलेटरी डक्ट होती है यहाँ पर भी है मेन आपको चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं ये जो है फोर्थ एंड फोर्थ टू सिक्स फोर्थ टू सिक्स सेगमेंट पे होते हैं सेगमेंट आपको याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम सेगमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये चीज समझ आ गई एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज है पैराग्राफ में आपको बता देती हूँ यस ये देखिए जो इसका एक करेक्टरिस्टिक है कि मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सिक्स सेवेंथ एब्डोमिन सेगमेंट विच फंक्शन एज असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड तो कॉकरोच में असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है सिक्स टू सेवेंथ और ये कैसी मशरूम शेप्ड ग्लैंड है ठीक है ये आपको यहाँ से याद रखना है ओके okay. एक और में वर्ड है यहाँ पे यस yes, ये है गोनोपो फाइसिस और फेलोमियर ये क्या है ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया है कॉकरोच का जैसे कि ह्यूमन में पेनिस होता है वैसे ही ये स्ट्रक्चर होता है ठीक है पेनिस नॉट पेन इन पेनिस वैसे ही ये स्ट्रक्चर होता है तो ये वर्ड आप दोनों नोट कर लीजिए राइट इसके बाद जिस पम्प की फॉर्मेशन होती है ये क्या हो रहा है जिस पम्प की फॉर्मेशन होती है अब उसके बाद वो कहीं जाके स्टोर भी होते हैं ठीक है द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल ठीक है और ग्लू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स ठीक है और डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग द कपलेशन ठीक है जब स्पर्म सेल्स हैं वो सेमिनल वेसिकल्स में जो है स्टोर हो जाएंगे किस फॉर्म में स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसके बाद बात करें तो उसके पास दो लार्ज ओवरीज होती हैं जो कि सेकंड टू तो सिक्स ऑबडाम सेगमेंट में होती हैं ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसके बाद पेयर ऑफ स्पर्मा थीका इज प्रेजेंट ऑन सिक्स सेगमेंट विच ओपन जेनेटल चैम्बर ठीक है स्पर्मे थीका दिया है तो कन्फ्यूज नहीं करना है कि सॉरी <coughs> कन्फ्यूज <coughs> नहीं करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होगा ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वर्ड है ठीक है इसके बाद देखो जो स्पर्म है ये ट्रांसफर होंगे किसकी फॉर्म में स्पर्मेटो फोर की फॉर्म में और फर्टिलाइज करेंगे एग को ठीक है जिनको हम क्या बोल देंगे ओ ठीक है मैं ये चीज़ भी आपको फ्लो चार्ट से समझाती हूँ बेटर समझ आएगा देखो आप जो स्पर्मेटो फोर्स हैं आपके ठीक है ये जो है स्पर्मेटो फोर स्पर्म जो है एक सेकेंड स्पर्मेटो फोर जो है वो आगे ट्रांसफर होंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन और एग को फर्टिलाइज करेंगे इसके बाद जैसे जयगोड बनता है यहाँ पे क्या बनेगा ऊथिका क्या बनेगा ऊथिका अब ये जो ऊथिका है ठीक है ये ऊथिका कहाँ चले जाएंगे कहाँ चले जाएंगे कहीं ऐसे प्लेस पे जो फीमेल आ, है वो उसको ले कर देगी ऐसे प्लेस पे डार्क या जो किचन में क्रैक्स होते हैं ऐसी जगह छिपने वाली जगह जो होती है वहाँ पे उनको ले कर देंगे एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर एक फीमेल जो है अप्रोक्सीमेट जो है नाइन टू टेन का जो है प्रोड्यूस करती है एक फ़ीमेल कितने नाइन टू टेन ओथी का प्रोड्यूस करती है और इसमें जो का होते हैं अप्रोक्सीमेट एक ओथिका में फोर्टीन टू एग्स होते हैं 14 टू सिक्सटीन एग होते हैं तो एवरेज लगा लो कि कितने अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी जो है वो कॉकरोच इन फ्यूचर वहाँ से बनेंगे ठीक है प्रोडक्टिव रेट हाई है ठीक है अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको दे के रखी है पैराग्राफ में बताती हूँ आपको ओके okay. हम्म वही चीज मैंने आपको ये चीज बता दी अभी ठीक है ये सारी चीजें मैंने बता दी अब जब क्या होता है एक्चुअली आपको पता है कॉकरोच के पास क्या है विंग्स हैं ठीक है थीके? लेकिन ये पता क्या एक ऐसी स्टेजेस जो है वो शो करता है मतलब इसकी बॉडी की जब फॉर्मेशन होती है तो जैसे मेटामोफोसिस होता है वैसे ये मोल्टिंग शो करता है क्या शो करता है मोल्टिंग मतलब इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे मोल्टिंग होती है इसकी बॉडी में और थर्टीन टाइम होती है कितने टाइम थर्टीन टाइम मतलब जब थर्टीन टाइम मोल्टिंग होगी मान लो बारह टाइम इसकी मोल्टिंग होगी जब थर्टीन टाइम इसकी मोल्टिंग होगी उस टाइम पे प्रॉपर विंग्स बनेंगे जब बारह से 13 ठीक है स्टेज जो है आएगी मोल्टिंग की तो मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको बताना चाह रही हूँ क्वेश्चन लिखो विंग्स आर दी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट कॉकरोच ओनली अडल्ट कॉकरोच बन जाएगा जब वो पूरी कंप्लीट मोल्टिंग कर लेगा जब उसकी बारह स्टेजेस कंप्लीट है मोल्टिंग की तब अभी वो अडल्ट नहीं है वो पूरी तरह से उसकी मोल्टिंग नहीं हुई है यहाँ तक प्रॉपर विंग्स नहीं होंगे विंग्स बनेंगे जब वो अडल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी ठीक है विंग्स आर द करेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट कॉकरोच होल्ली ठीक है ये क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताना चाह रही थी सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपका जो कॉकरोच है से है।, फाइलम है। मलस्का से बिलोंग करता सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है इंसेक्टा क्लास से ये बिलोंग करता है ठीक है और ये जो इसका एलिमेंट्री कैनाल में जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें जो है वो ग्राइंडिंग होती है वो गिजार्ड है फिर वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं इसमें वो क्या है मेलफिगिन टिब्यूल है स्पाइकल्स क्या हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर हैं ये कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करता है यूरिक एसिड इसीलिए ये यूरिकोटालिक है एक्सक्रीशन के लिए मैंने बोल दिया कि मेलफिगिन टिब्यूल के साथ साथ जो है नेफ्रोसाइट और यूरोोगलैंड भी होती हैं फैट बॉडीज भी होते हैं और इसका क्वेश्चन कि कंपाउंड uh, आइज होती हैं इसमें ठीक है ओमेटीडियाज होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मतलब एक सिंगल कॉक्रोच से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपके इसमें जो है सात से दस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रह चुके हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं बाकी अदर एडिशनल क्वेश्चन भी मैंने आपको सारे बता दिए सो दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच भाई साहब और इसके बाद मेरे को एक रिक्वेस्ट आई है फ्रॉग वैसे अगर अब की न्यू एन सी आर टी देखे तो फ्रॉग सिलेबस से डिलीट हो चुका है बट चलो फिर भी मैं फ्रॉग से वीडियो बना दूंगी जब मुझे टाइम लगेगा अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन और पेरियोडिक टेबल की कुछ ट्रिक्स लेके आऊँ जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एच पी टैड बोथ फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाई